आइए बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यहां से क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्या कहते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूं, या पहले डेफिनेशन देखो, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझाता हूं। वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, होली होता है होली जो भी है, और पार्शली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अरे बस ठीक है, सो सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्ज इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंस अ बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय फोर्स। समझाने तो मेरी माँ अभी अभी बोलना शुरू हो गई है। चलो दोबारा समझा देते हैं, ये लो हटा देता हूँ, ये लो कुछ समझ में नहीं आया, ये सोच रहे बस ऐसे पढ़े सर और मेरे सब कुछ समझ में आ जाए बिना समझाए। इतनी आती है, चलो दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है ये जरा समझिएगा, अरे इधर देख लो जरा। मान लीजिए ये है एक लिक्विड, ठीक है भाई, और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है लिक्विड, मान लीजिए वाटर, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है, एक बॉक्स, और उस बॉक्स का वेट, वेट वैसे देखो न्यूटन में होता है, हमें पता फोर्स होती है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए 2 kg है, इस बॉक्स का वेट कितना है 2 kg है, तो इसके अंदर से क्या होगा, वाटर भी डिस्प्लेस होगा। भाई जब आप कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें से क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। इस वाटर को मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर में स्टोर कर लेता हूं, ये वाटर निकल के क्या आ जाएगा, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस बॉक्स का तो वेट ऑलरेडी किया हुआ था कितना, 20 kg, लेकिन ये जो वाटर 2 kg सॉरी, और बाद में ये जो लिक्विड बाहर डिस्प्लेस हो गया, इसका जब मैंने वेट किया तो ये भी कितना आया, 2 kg। इसका मतलब ये है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जितना वेट आप डालोगे लिक्विड में, उतना ही वेट लिक्विड का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, पूरा भरो ही मत ऐसे ऊपर तक रखो, थोड़ा फिर देखें कैसे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बेटा ये जगह है, मान लीजिए ये लिक्विड पहले कहां तक था, यहां तक था, मान लीजिए यहां तक था, तो ये लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये जो ऊपर आया हुआ लिक्विड है वो कितना होगा, 2 kg। अरे मास, उसका मास नहीं होता, वाटर का मास नहीं होता, बिल्कुल होता। मैं ऐसा एग्जांपल देकर इसलिए समझा रहा हूं आपको आराम से समझ में आए, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको दिक्कत होगी समझने में। सो बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने 2 kg का बॉक्स लिक्विड में डाला तो 2 kg वाटर ही बाहर डिस्प्लेस होकर आएगा, यही कहता है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब जरा देखिए डेफिनेशन पर नजर डालते हैं तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। बेटा शांति बनाए रखो, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, डिलीट कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या आ गया, बायंट फोर्स, वेट क्या होती है, एक फोर्स होती है, तो जो बायंट फोर्स है वो किसकी होगी, वाटर ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बायंट फोर्स किसके इक्वल आएगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो यहां पर जरा देखिएगा एक बार, तो यहां से अगर हम डेफिनेशन पर नजर डालें तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे लिक्विड में डालोगे तो वाटर जितना डिस्प्लेस होगा तो उस ऑब्जेक्ट का वेट और उस लिक्विड का वेट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। यही होता है आपका क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। जरा देखिएगा, इवन गैसेज लाइक एयर एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स, ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में ही पढ़ा था,
बायंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डैम। तो भाई लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और गैसेस भी, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, वेर एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्ज इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ बायंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली अप थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो देखो इधर बेसिकली वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये लिया आपने एक कंटेनर, इसके अंदर डाल दिया क्या लिक्विड। भाई फैन जरा फुल पे ऑन कर दो, एसी बंद करवा दिया आप लोगों ने और फैन तो भाई जैकेट डाल के आया करो ना, ठंड लगती है तो। हाँ जी भाई सुनो इधर जरा, सो बेसिकली जितना वेट होगा इस लिक्विड का उतना ही वेट क्या हो जाएगा इस कंटेनर से बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इट इज द बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर विच मेक्स अ बलून राइज इन एयर। सो बेसिकली आप देखो बलून को अगर आप बाहर डाल दो, अगर आप हॉट बलून लोगे, हॉट एयर बलून, तो वो क्या करेगा, एयर जो जिसका जिसका टेम्परेचर कम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, और जो हॉट एयर बलून है वहाँ पर गैसेस क्या होती हैं, लाइट हो जाती है जब आप उसको हीट करते हो तब, और यही वजह है कि जो लाइट गैसेस हैं वो क्या करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और जो बलून है वो हवा में ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर हो गया या कोई डाउट है, 1% भी तो दोबारा से पूछ लो। हाँ जी क्लियर है अच्छे से।